Let's go. What's up everybody, Shashank Trivedi is here and welcome back to another video. और आज हमारी गाड़ी फिर से निकल चुकी है एक नई जर्नी पे. तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ गुजरात का तारंगा हिल, बोल सकते हो तारंगा हिल सेंचुरी, बोल सकते हो तारंगा जैन टेम्पल भी बोल सकते हो आप. सो या मेरे पीछे ये मेरे कॉलेज का स्पोर्ट्स ग्राउंड है. वहाँ से अमेजिंग सा ऑरेंज सा शाइन आ रहा है. आई नो कि मेरा ये कैमरा इस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पा रहा है और मेरा कैमरा इसको डिजर्व भी नहीं कर रहा है. ये जितना ब्यूटीफुल आंखों से लगता है ना, उतना ब्यूटीफुल मोबाइल से नहीं लगेगा, टू बी ऑनेस्ट. और मेरे को ये कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर जो भी मेरा ये ब्लॉग देख रहा है, आप सनसेट ज़्यादा पसंद करते हो या सनराइज देखना ज़्यादा पसंद करते हो. बेसिकली यू आर लाइक मॉर्निंग पर्सन और इवनिंग पर्सन आप बोल सकते हो. हाँ, और वो वहाँ से काफ़ी अमेजिंग सा सनराइज हो रहा है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है. सो गाइस, फाइनली मैं बस स्टॉप पहुँच गया हूँ और मेरे पीछे है स्वामी नारायण का मंदिर. अब जल्दी जाके जाते हैं और बस की इंक्वायरी करते हैं कौन सी बस जाने वाली अंबाजी की साइड में. तारंगा के लिए बस कब, कितने बजे तारंगा के लिए अंबाजी? तारंगा एक नाम है अंबाजी कड़ी अंबाजी तैयारी 10 नंबर को पर हो. सो फाइनली गाइस हम तारंगा पहुंच चुके हैं और अभी इको लेके हम टेंपल की तरफ ही जा रहे हैं. तो गाइस हमारे ग्रुप में ये सब लोग भी है. पीछे और कुछ बंदे बैठे हुए हमारे. What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Guys, look at this. इसकी तो आंखें भी बंद है अभी. सो रही है. अच्छा, सो रही. कितना दिन हुआ इसको? चार दिन हुआ इसको. अच्छा. सो गाइस यहाँ पर ना तो जैन धर्मशाला कोई भी धर्मशाला ने हमको रहने के लिए जगह ही नहीं दी. बोलते हैं कि अगर आप जैन नहीं हो तो हम आपको रहने के लिए जगह नहीं देंगे. वो हम वही सब बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि कहाँ रहना चाहिए, क्या करना चाहिए. सो मिलते हैं जिंदगी के अगले एपिसोड में, देखते हैं क्या करते हैं आगे. कुत्तों को ऑडियंस मैजिक बता रहा है. वाह वाह, कौन से देखो? द ग्रेट मैजिशियन आदर्श को. सो ये सिद्ध शिला जो एक टेंपल है वहां जाने के बीच में ये ऐसा कुछ पॉन्ड टाइप बना हुआ आता है. इट्स काइंड ऑफ, और वो पता नहीं कौन से देवता की मूर्ति है. हनुमान जी नहीं है वो. सो गाइज हम अभी थोड़ा सा ट्रैक करके यहाँ तक आ चुके हैं. जस्ट हैव व्यू मेरे पीछे का
काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा लग रहा है। बहुत मतलब धूप थोड़ी सी तेज़ है, लेकिन विंटर का माहौल है। नवंबर एंडिंग में आए हो तो थोड़ा बहुत चल रहा है। जून और गर्मियों में आया होता तब तो हालत ख़राब ही हो जाती, लेकिन बहुत मज़ा आ रही है, अच्छा है। मेरे पीछे से मैं आपको जो टेम्पल में अभी मैं गया था ना, वो लुक बताता हूँ। वो देखो, आई नो कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है, लेकिन आँखों से देखने पर जो व्यू मिल रहा है, OMG, ये पूरी एक नदी है, मंदिर थोड़ा साइड में, और जब नदी आती है ना वो वहाँ दोनों से होते हुए यहाँ नदी आती है, मस्त। तब आए हो ना, व्यू मिलता होगा नदी के साथ में। इस टेम्पल का काफ़ी ज़्यादा डोप होता है, काफ़ी ज़्यादा DOPE। काफ़ी मुश्किलों के बाद अब हम पहुंच चुके हैं माउंटेन के टॉप पर, और यहां से कुछ ऐसा भी मिलता है। अभी पीछे एक छोटा मंदिर का कंस्ट्रक्शन चालू है और हमको वहां सामने भी जाना है यहां पर। एंड मेरे पीछे ये पूरा जो गांव वगैरह है वो सब है, घुमाता हूं मैं आपको यहां कुछ टाइम थोड़ा रेस्ट लेने के बाद। Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. सोया सी स्टिक खाने वाले बंदर है आजकल, स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। फाइनली हम अब नीचे आ चुके हैं और जा रहे हैं हमारे धर्मशाला की तरफ, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं। सो मिलता हूँ रेस्ट के बाद में, और कुछ चाय नाश्ता, थोड़ा कॉफी वॉफी पी लेंगे। अरे गौ माता सुनिए ना, आप अंदर गए कहाँ से? हमें भी झरने देखा आना है, जरा बताइए रास्ता। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, कुछ तो कीजिए। तो गौ माता है क्या? ना मैं बैल हूँ। क्लाउन टू क्लाउन कन्वर्सेशन क्या बोले एक बार? क्लाउन टू रिप्लाई प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं बताया कि काम कैसे। सो गाइज, अब हम ऐसी होटल की तरफ जा रहे थे तो हमको रास्ते में मिला है एक अबेंडेंड किया हुआ मंदिर। लाइक उसकी हालत देख के अब लाइक कुछ दुख सा होता है। मैं दिखाता हूँ यहाँ की कंडीशन कैसी है। सो किसी ज़माने में ये एक बहुत बड़ा सा एक गेट रहा होगा। जस्ट लुक एट द साइज, क्या है। और आज की तारीख में बस यहाँ कुछ लोग बैठ के मेरे हिसाब से कुछ कुकिंग करते हैं, लेकिन देख लो कितना बड़ा है ये। यहाँ पे कुछ मूर्तिज वगैरह बनी हुई है, और ये मेन गेट आई गेस लग रहा है कि यहाँ से सब लोग चल के और टेम्पल के लिए आते होंगे। ये यहाँ ऐसा पूरा बना हुआ है, दिस इज लाइक समथिंग। देन यहाँ पेड़ है बने हुए, आई डोंट नो ये फ्रूट्स कौन से है, नींबू नहीं है और ना ही बेर है। और अब मैं आपको लेके जाता हूँ दुर्गा माता के दर्शन के लिए। यहाँ पर ये यज्ञ करने का है तो ये भी टूटा हुआ है, कुछ ऐसा ध्यान नहीं है। वहाँ पर भी हमारा एक मंदिर है लेकिन वहाँ पर भी अभी कोई है नहीं। सो चलिए दर्शन करते, जूते उतारना ज़रूरी है भले ही मैं छुट्टी ना हो। कोई आता नहीं है, ये भी ऐसे ही पड़ा है। साफ़ सफाई है तो सही लग तो रहा है, साफ़ सफाई है उनके, खाली मतलब मंदिर रखा हुआ है। हे दुर्गा माता, ओके मतलब यहाँ आते लोग आते, अबेंडेंट नहीं है ये, माय मिस्टेक। Wow, just look at this amazing view. Like, देख सकते हो टॉप पर क्या लग रहा है।
इट्स जस्ट एन अमेजिंग थिंग। कोई बोलो मन का जो प्यारा गाना हो कोई, अगर आता हो तो चला। आसमां मिला जमीन को मेरी यादे यादे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। सो गाइज फाइनली लाइक हमको होटल तो मिल ही चुका है, खाना वाना हो गया था आज। यहाँ खाने में बनी थी भाकरी, खिचड़ी, कढ़ी और दूधी की सब्ज़ी। और अभी हम सब फ्रेंड्स लोग प्लान कर रहे हैं बॉन फायर करने का। वही मैं आया हूँ थोड़ा बाहर, यहाँ ठंडी वैसे काफ़ी ज़्यादा है। अभी बस रूम में ही बैठे थे, थोड़ी गप्पे शप्पे लगा रहे थे, वही थोड़ी कुछ एक्टिंग गाने वाने वही। सो अभी सब आ रहे बॉन फायर कर रहे हैं, वैसे पीसफुल बहुत है यहाँ। नो कोई नेटवर्क नहीं है लिटरली, मतलब दो दिन से बिना नेटवर्क के जीना एकदम, इतनी ज़्यादा यहाँ शांति है ना लाइक। सो गाइज अभी हम बस बॉन फायर लगा के बैठे हैं। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, यहाँ तक देख लिया तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप यहाँ पे मेरे को फॉलो भी कर सकते हो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।